सरकार ने सबसे गरीब परिवारों के आय को कम से कम 1,80,000 रुपए प्रतिवर्ष करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये शुरू की गई है। मेले लगाए गए, इसमें 89,000 आवेदन विभागों द्वारा प्रेषित किए गए, 50,000 से अधिक ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 38,568 ऋण ये वितरित किए जा चुके हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हरित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। वर्तमान में 1,050 खुदरा दुकानें खोली गई हैं, 686 दुकानें सरकार द्वारा किए गए मुद्रा ऋण से संचालित की जा रही हैं, 396 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवा हैं। हरियाणा भर में हरित स्टोर के माध्यम से कुल 435 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। इन स्टोर्स को संचालित करने वाले युवाओं को आय का एक स्थायी स्रोत मिला है। मैं वर्ष 2024 में इसके अतिरिक्त 1,000 नए हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, एब्रीवेशन में इसका नाम रखा है हैप्पी, की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ 1,00,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं। लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है।